दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तहत स्वयं सेवकों और स्वयं सेविकाओं द्वारा शुक्रवार को कॉलेज परिसर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली कॉलेज परिसर से निकलकर इंदिरा बाल विहार चौराहा, चेतना तिराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा, शास्त्री चौराहा, अंबेडकर चौराहा, छात्र संघ चौराहा, विश्वविद्यालय हरिओम तिराहा होते हुए वापस कॉलेज परिसर पहुंचकर समाप्त हो गई। रैली के दौरान छात्र छात्राओं ने स्लोगन और बैनरों के माध्यमों से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पवन पांडे, डॉक्टर रविंद्र कुमार सहित कई शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पवन पांडे ने कहा, ये मतदाता जागरूकता रैली है। एक्चुअल में सबसे बड़ी समस्या जो गोरखपुर की है, क्योंकि पिछले वर्ष भी राष्ट्रीय सेवा योजना ने पूरा प्रयास किया, पूरा गोरखपुर शासन प्रशासन लगा रहा, लेकिन मतदान प्रतिशत को हम जो चाहते थे उस प्रतिशत तक पहुंचा नहीं। तो इस बार हमारा प्रयास पूरा है कि मतदान प्रतिशत को, हमारे गोरखपुर वासियों से भी अपील है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मतदान प्रतिशत को हम 75% से ऊपर ले जाएं, तो बेहतर होगा, तभी हम अपने अच्छे प्रत्याशी को चुन पाएँ। कहाँ से निकाला गया, कहाँ कहाँ ये रैली जो है महाविद्यालय से निकल करके दिग्विजय नाथ एलटी कॉलेज में हमारा ये लगा हुआ है कैंप, और यहाँ से निकल करके हम बाल विहार गोलघर होते हुए फिर शास्त्री चौक पहुँचते हुए कचहरी, छात्र संघ चौराहा, विश्वविद्यालय से होते हुए जिलाधिकारी आवास होते हुए महाविद्यालय तक ये रैली आई। बच्चों ने इसमें, स्वयंसेवकों ने नारे लगाए, सारे काम छोड़ दो, 11 मार्च को वोट दो और आधी रोटी खाएंगे, वोट देने जाएंगे।